जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों SNDT विश्वविद्यालय के बारे में। अक्सर आपसे बीएड में सवाल पूछता है कि SNDT पे संक्षेप टिप्पणी लिखिए या फिर SNDT से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। SNDT यूनिवर्सिटी का मतलब श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकर सी वुमेन यूनिवर्सिटी के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी उसके बारे में ये जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, कि महान समाज सुधारक और भारत रत्न महर्षि डॉक्टर ढोंडे केशव कर्वे जी ने इसकी नींव रखी थी, इसकी स्थापना करी थी। वास्तव में इनका सपना था एक महिला को सशक्तिकरण करना, महिला को आत्मनिर्भर बनाना, महिलाओं के बारे में सोचना इनका एक सपना था और इन्होंने इसकी नींव रखी थी। तो आइए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए SNDT यूनिवर्सिटी यानी कि श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरी महिला विश्वविद्यालय के नाम से भी पुकारा जाता है। यह एक महिला विश्वविद्यालय है। यह कहाँ स्थित है दोस्तों? यह मुंबई भारत में स्थित है। इसकी स्थापना 2 जुलाई 1916 में की गई थी। कब की गई थी भाई? जुलाई 1916 में की गई थी। उस समय इसके कुलपति कौन रखे गए थे? उस समय विद्यासागर राव जी इसके कुलपति थे तथा उपकुलपति प्रोफेसर शशिकला वंजारी जी थी। विश्वविद्यालय का मुख्यालय साउथ मुंबई चर्च गेट में स्थित है। मुख्य कैंपस कहाँ है दोस्तों? सेंटा क्रूज जुहू क्षेत्र में अभी मौजूद है। मुंबई में ये चीज़ें मौजूद हैं। इसके निर्माण करने में, इसको बनाने के पीछे एक छोटी सी कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आइए जरा उसको देखते हैं। SNDT के 3 कैंपस हैं, 2 मुंबई में है और 1 पुणे में स्थित है। इसके संबंध में और भी जो भी कॉलेजेस और महाविद्यालय हैं वो महाराष्ट्र में हैं, आसाम में हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और सूरत, इन क्षेत्रों में भी इससे संबंधित कॉलेजेस हैं। जैसे एक मुख्य कैंपस होता है और उससे एफिलेटेड कॉलेज होते हैं, तो वैसे ही इसके भी एफिलेटेड कॉलेज इन शहरों में अवेलेबल हैं। अब आइए देखिए भारतीय शिक्षा के बारे में अगर बात की जाए तो भारतीय स्त्री शिक्षा की नए युग की शुरुआत 1896 में हो गई थी। 1896 में दरअसल क्या हुआ था कि धुंधु जी जो केशव कर्वे जी थे उन्होंने एक आश्रम बनाया था विधवाओं के लिए, असहायों के लिए, महिलाओं के लिए उन्होंने एक आश्रम की स्थापना करी थी, ठीक है। फिर उसमें धीरे धीरे उन्होंने महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, उन्हें आत्म पर्याप्त बनाने के लिए, आत्मबोध मतलब सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, स्वावलंबी एवं दृढ़ निश्चय भावना से प्रेरित होने के लिए उन्होंने धीरे धीरे उस आश्रम में क्या किया, विद्यालय की व्यवस्था शुरू कर दी, शिक्षा देना उसमें शुरू कर दिया। कर्वे ने वहाँ पर विद्यालय व्यवस्था का कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया, जो बाद में बालिकाओं और महिलाओं के लिए नियमित रूप से विद्यालय का स्वरूप, शुरू में वो एक आश्रम था जहाँ पर महिलाएँ सशक्तिकरण के लिए उन्हें थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता था, उन्हें बताया जाता था, देश समाज दुनिया से जोड़ा जाता था। लेकिन धीरे धीरे वो पूरा जगह ही क्या हो गया, एक विद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया। वही बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए विद्यालय के रूप में जाने जाने लगा, ठीक है। कर्वे ने महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक सपना देखा था। ये इनका सपना था कि एक ऐसी जगह हो जहाँ पर देश की बेटियाँ भी पढ़ सकें। उनके एक मित्र थे जो जापान विश्वविद्यालय से कुछ किताबें भेजते थे, ठीक है, जिसकी सहायता से वो क्या करते, अपने आश्रम में पढ़ाते थे। एक बार क्या हुआ, उन्होंने अपने सपना सरकार को दिसंबर 1950 में नेशनल सोशल रिफॉर्म कांग्रेस बॉम्बे में अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान उसने अपने सपने को वास्तविकता आकार प्रदान करने के लिए घोषणा कर दी। उन्होंने 1915 में कह दिया कि ये मेरा सपना है कि एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाया जाए जहाँ पे देश की बेटियाँ महिलाएँ शिक्षा पा सकें। 1915 में उन्होंने घोषणा कर दी। अब जब घोषणा कर दी दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं, दिसंबर में उन्होंने घोषणा कर दी, इसका मतलब ये नहीं कि जाके वो सरकार से फंड के लिए मांगे या इस चीज़, उन्होंने शुरुआत कर दिया दोस्तों। 2 जुलाई 1916 को केवल 5 विद्यार्थियों के साथ उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी। इसे एक महिला विश्वविद्यालय के भांति आकार प्रदान किया गया। कर्वे ने इसके लिए सरकार के फंड कोष का आदेश की प्रतीक्षा भी नहीं की कि सरकार हमें फंड कोष देगी, पैसा देगी। उनका मानना था कि ठीक है, आप जब दीजिएगा दीजिएगा, हमारे पास जगह है, आश्रम है, हम इसको शुरू करते हैं। तो 5 विद्यार्थियों के साथ उन्होंने क्या करा, शुरू कर दिया इस चीज़ को। ऐसे ही लोग महान होते हैं, ऐसे देखो जज्बा, उनका सपना था कि ऐसा बनाए और उन्होंने शुरू कर दिया। 1920 में जाके इसका नाम जो था श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय किया गया, ठीक है, ठाकरसी महाविद्यालय। अब 1936 में इसका मुख्यालय बॉम्बे स्थानांतरित कर दिया गया। विश्वविद्यालय निरंतर विकास करता गया, आगे बढ़ता गया विश्वविद्यालय, और अधिक से अधिक स्त्रियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने में इसकी भूमिका आगे की तरफ बढ़ती गई। अब ये विश्वविद्यालय अभी SNDT के नाम से जाने जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, सवाल ऐसे भी पूछ सकता है और आपको ये मेंशन भी करना है अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो SNDT का जो मुख्य पर्पस था, मुख्य उद्देश्य था, जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को उनके शक्ति का एहसास दिलाना, महिला सशक्तिकरण उनका था, ठीक है। उसके बाद क्या था, उनके महिला सशक्तिकरण के कार्यों को उजागर कर विशेष शिक्षा, विशेष रूप से उच्च शिक्षा के माध्यम से
उपयुक्त पाठ्यक्रम के द्वारा औपचारिक एवं अनौपचारिक माध्यम से उनको सशक्त करना, उनको मजबूत करना, इकट्ठा करना, मजबूत करना। विश्वविद्यालय द्वारा संकल्पित है कि महिला की एक सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यावसायिक एवं प्राविधिक पाठ्यक्रमों द्वारा मानव मूल्यों एवं सामाजिक उत्तरदायित्व का उद्देश्यपूर्ण बनाना। कहने का मतलब ये दोस्तों कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बना दे हर एक फील्ड में, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में, उनके खुद विकास करें, ठीक है। तो ऐसा पाठ्यक्रम बनाना ये उनका क्या था, उद्देश्य था। तो SNDT में एक आदर्श वाक्य चलता था, उसमें एक चीज़ कही जाती थी। देखिए SNDT विश्वविद्यालय में एक आदर्श वाक्य था। SNDT विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य संस्कृता स्त्री पराशक्ति था। संस्कृता स्त्री पराशक्ति था। स्त्रियों को परम शक्ति की संज्ञा से विभूषित करके उन्हें अनंत शक्ति का स्रोत मानने की संकल्पना कौरवों ने दी थी। जो महान समाज सुधारक देव भारत रत्न जी थे, उनका एक वाक्य था दोस्तों, आदर्श वाक्य था, जो कहते थे संस्कृता स्त्री प्रशक्ति, परम शक्ति। स्त्रियों के अंदर परम शक्ति होती है, स्त्री एक बहुत ही शक्तिशाली होती हैं। ये वहाँ का सेंटेंस था दोस्तों, इसी पर वो काम करते थे। तो उन्होंने परम शक्ति की संज्ञा से विभूषित करके उन्हें अनंत शक्ति का स्रोत मानने की संकल्पना कौरवों ने दी थी कि आपके महिला एक अनंत शक्ति की स्रोत है, आपके अंतर्गत खुद एक शक्ति का स्रोत है। और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, कोई भी पढ़ा लिखा, कोई भी समझदार व्यक्ति इस बात से यकीन करेगा कि एक महिलाएं बहुत सशक्त होती हैं, बहुत शक्तिशाली होती हैं। एक महिला जिस पेन को, जिस तकलीफ को बर्दाश्त कर सकती है, शायद एक पुरुष उसका इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता। तो इस बात में कोई दो राय है ही नहीं, महिलाएँ बहुत सशक्त होती हैं, बहुत स्ट्रांग होती हैं, बहुत ही पावरफुल होती है। एक प्रबुद्ध महिला अनंत शक्ति की स्रोत होती है, ठीक है। तो ये वहाँ का वाक्य होता था कि संस्कृता स्त्री प्रशक्ति था, ठीक है। तो ये वहाँ का आदर्श वाक्य होता था, ठीक है दोस्तों। अब एक लास्ट पॉइंट हम देख लेंगे कि SNDT विश्वविद्यालय के लक्ष्य क्या रखे गए थे, इसका लक्ष्य क्या था, टारगेट क्या था, गोल्स क्या था SNDT विश्वविद्यालय के, फिर इसके बाद इस वीडियो को समाप्त करें। आसान सा पॉइंट था, इसको समझना था कि आपको एग्जाम्स में लिखना कैसे, ठीक है। तो देखिए, पहला इसका लक्ष्य था कि स्त्रियों के लिए औपचारिक अनौपचारिक साधनों से सतत शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा द्वारा उच्च शिक्षा की व्यवस्था कराई जाए। प्रौढ़ शिक्षा, उच्च शिक्षा की व्यवस्था कराई जाए, बच्चे भी, मतलब बालिकाएं, स्त्रियां भी आगे उच्च शिक्षा की पढ़ाई करें। सामाजिक आर्थिक आवश्यकता या मांग के अनुसार स्त्रियों के व्यावसायिक एवं प्राविधिक कोर्स पाठ्यक्रम को उपलब्ध कराया जाए। एक ऐसा कोर्स पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जाए कि महिलाएँ जो हैं वो व्यावसायिक रूप में भी आगे बढ़ें, उनकी सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति वो खुद कर सके, उन्हें किसी के ऊपर निर्भर ना बनना पड़े, मतलब आत्मनिर्भर की बात की गई थी। स्त्रियों के परिप्रेक्ष्य में अनेक अध्ययन के उद्यमान क्षेत्रों में छात्रवृत्ति एवं अनुसंधान का विकास करना, ये एक लक्ष्य था कि महिलाओं के लिए एक अनुसंधान का मतलब रिसर्च सेंटर, महिलाएँ भी क्या करें, रिसर्च कर सकें, आगे बढ़ सकें। तो ये उसका परम लक्ष्य और गोल था दोस्तों। अगला पॉइंट, स्त्री की धनात्मक आत्मबोध, पॉजिटिव सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। महिलाएं अपने आप को मजबूत, कमज़ोर ना समझें, ये ना समझें कि उनका काम बस चूल्हा चौका है, नहीं, वो देश चला सकती है दोस्तों। तो क्या आत्मबोध महिला जागरूकता से संबंधित उनके अधिकारों या मुद्दों को समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रोन्नत करना, डेवलप करना, प्रोग्रेस करना दोस्तों। मानवीय मूल्यों के विकास में सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति हेतु विभिन्न कार्यक्रम की शक्तिशाली बनाने हेतु शैक्षिक प्रवेश प्रदान करना, एक ऐसा परिवेश प्रदान करना दोस्तों जिसमें सामाजिक उत्तरदायित्व उनकी पूर्ति हो सके, वो चीज़ों को समझ सके, अपने हक को ले सके, छीन सके। शैक्षिक अनुसंधान, अनुसंधान एवं प्रसार में क्रियाकलापों में उत्कृष्टता प्राप्त एवं प्रत्येक क्रियाकलापों में योग्यता गुणों का विकास करना, महिलाओं की हर एक योग्यता गुणों का विकास हो, ये क्या था दोस्तों, ये एक लक्ष्य था SNDT का, ठीक है। तो देखो कितने महान लोग थे जिन्होंने ये सोच रखी, अपना सपना भी रखा तो यही रखा कि महिलाओं के लिए कुछ करना है, एक शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना है। वास्तव में यही लोग महान होते हैं दोस्तों, वास्तव में यही सच्चे देशभक्त होते हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि महर्षि भारत रत्न जी को, केशव पर्व जी को, मेरी तरफ से बहुत 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 श्रद्धांजलि दोस्तों। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक को देखेंगे। और भी टॉपिक्स रह गए हैं जैसे कि वनस्थली विद्यापीठ हो गई, एकलव्य प्रजा शिक्षा योजना, इन तमाम टॉपिक्स को हम एक एक करके वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके बीएड में पूछता है तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अगर आप एक महिला हैं, देश की बेटी हैं, अगर आप एक लक्ष्मी के रूप हैं, अगर आप घर की रहमत हैं, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।